आचार्य जी से सीधे जुड़ना है तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल करके आप सीधे आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ में आज आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी और साथ ही पूजा जोशी जी मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी से एक विशेष संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। इन दिनों बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर ली जाए, चाहे बोर्ड परीक्षाओं की बात कर ली जाए, और साथ ही सुसाइड के भी रेशियो काफी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से जेई मेन्स के एग्जाम क्लियर हुए, जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए, तो कई जगहों से जैसे कोटा तो राजस्थान में काफी मायने रखता है लेकिन वहां के जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं वो काफी भयावह है। तो बच्चे इस तरह कदम नहीं उठाए क्योंकि माता पिता का एक उम्मीद एक आशा आपसे रहती है। तो आज ज्योतिष से समझेंगे कि परीक्षाओं को लेकर किस तरह की तैयारी करना चाहिए और मन को किस तरह से स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए मन को स्थिर रखना और एक सही दिशा में आगे बढ़ना काफी मायने रखता है। तो सबसे पहले आचार्य जी, ये जो परीक्षा होती है किसी भी छात्र छात्राओं के जिंदगी में काफी अहम पड़ाव होता है कि आप बोर्ड परीक्षाओं के बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियां भी करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते नजर आते हैं। एग्जाम के लिए कौन कौन से ग्रह काफी अहम कारक होते हैं? देखिए, परीक्षा का समय लगभग आ चुका है और परीक्षा को लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत तनावपूर्ण स्थिति देखने को नजर आती है। कई बार अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए विशेष रात और दिन मेहनत करने के बाद भी जब वहां से नहीं लगती है तो छात्र छात्राएं डिप्रेस होते हैं। और आप ये माने कि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत याद करने के बाद और परीक्षा के दिन सब कुछ याद रहने के बाद परीक्षा स्थल पर जाने के बाद वो सब भूलने लगते हैं, या कहें कि वो सब हमारा स्मरण की शक्ति कमजोर हो जाती है और ऐसे में बच्चा खुद को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाता है कि ऐसा सब क्यों हुआ, और अंदर एक घुटन सी महसूस होती है कि मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे को का मन चाहा परिणाम प्राप्त ना हो तो निश्चित रूप से एक निराशा होती है मन में, और निराशा के कारण मन में कई प्रकार के सोच जन्म ले लेते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम क्यों नहीं प्राप्त हो। ज्योतिष में ग्रह दशा के बारे में बात करें तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, ग्रहों की अशुभ दशा के कारण कई प्रकार के जो है ऐसे परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं, और उसके लिए विशेष तौर पर हम बात करें तो ग्रहों का बड़ा अपना जो है एक प्रभाव होता है। परीक्षा में पास होने के उपाय की बात करें, चाहे वो ग्रहों की बात करें, देखिए बुध ग्रह बुद्धि का प्रदाता यदि कोई ग्रह है तो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह खास तौर पर व्यक्ति को बहुत कुछ देता है, यहां तक कि उसे कई अच्छे काम करने के लिए भी तैयार कर देता है। मैं कहूंगा कि ज्योतिष में परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ टिप्स मैं आज बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में पढ़ाई में टिप्सों को लेकर के ही पढ़ाई में स्टडी में ज्योतिषीय उपाय से ही सफलता प्राप्त की, और मैं मानता हूं कि आज तक शत हजारों छात्र छात्राओं को इस उपाय के बारे में मैंने अवगत भी कराया। ये मेरा निज अनुभव है जी। तुलदास जी ने भी कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा जी ने भी कहा कि मैं मेरा निज अनुभव की शेयर कर रही हूं, तो ऐसे ही मैं मेरा निज अनुभव शेयर कर रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, और अगर अपने स्टडी रूम में कुछ ज्योतिषीय उपाय आप करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके रूम अध्ययन में सुव्यवस्थित ढंग से हर चीज रखी रहनी चाहिए, कॉपी पेन किताब खुले नहीं पड़े रहने चाहिए। दूसरा है कि स्टडी रूम में रखी कुर्सी या मेज न टूटी होनी चाहिए, और ध्यान रहे कि नियमित रूप से सफाई हो, किताब और धूल मिट्टी ना जमे, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और पढ़ाई में विद्यार्थी का
मन नहीं लगता। मैं गांधी साहब आपको बताना चाहता हूं कि 1984 में जब मैं बीकॉम कर रहा था जी और मेरा प्रवेश 1984 में हुआ 87 डिग्री में, वो जो 85 में, 84-85 की बात है, मेरी माँ मुझे ये कहती थी कि बेटा अब आप कॉलेज में आ गए तो अब आप बच्चे नहीं बड़े हो गए, अपनी टेबल को साफ करो, अपने रूम को साफ करो। हमारे पास चारपाई होती थी और वो चारपाई को मतलब साफ रखो, एक धुलावा चादर उस पर डालो। मतलब ये देखिए कि पुराने व्यक्ति भी इस बात को जानते थे कि रूम में और सुव्यवस्थित किताबों को अच्छे से जमा करके रखे जाते थे। और आप विश्वास करिए, मुझे पता ही नहीं कब बीकॉम हो गया और पढ़ाई करने के बाद कब हमने आरपीएससी और ये करने लगे, और प्रणाम हुआ कि नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद लगा कि नहीं, अरे तो हम तो अभी तो बहुत कुछ बन सकते हैं, हम तो कहा। तो ये तब संभव होता है जब आपके टेबल पर जिस पर बैठ करके आप पढ़ाई करते हैं वहां भोजन निकलना चाहिए। मेरी माँ मुझे उसमें भोजन नहीं करना कहते, यहाँ माँ सरस्वती का आप अध्ययन करते हो, माँ सरस्वती की कृपा है, उस पर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन अगर करें तो आप बाहर करें, किताब को भी से भोजन को ढकना नहीं चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कई बार हम भोजन आता है हमारे, मैं मेरे को याद है मेरी माँ भोजन देती थी तो हम ढकते थे कॉपी से किताब से, तो ढकते थे नहीं कॉपी किताब से नहीं ढकना है, उचित बर्तन से इसको उचित स्थान पर करके ढको। और आप ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि सुबह हमें 4 बजे उठा देती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। जो बच्चे रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 10 बजे तक पढ़ते हैं वो सब चौपट हो जाता है। मैं कहता हूँ रात को 10 बजे तक पढ़े लेकिन सुबह 3 बजे 2 बजे उठ जाए तो वो ब्रह्म मुहूर्त का अध्ययन आपको पढ़ाई में बहुत सहयोग करता है, वो आपको निश्चित रूप से याद रहता है। जिन विद्यार्थियों की कंप्लेंट होती है कि हम जो है पढ़ाई में परीक्षा स्थल पर भूल जाते हैं, उन्हें वो जो है याद रहेगा। एक मेरे को ध्यान है कि मुझे माता जी, जब मैंने ये शास्त्र किया तब मुझे ये बात सब सुनने और देखने और पढ़ने को मिली कि मेरी माता जी मुझसे कहती थी बेटा सूर्य की तरफ मुख करके पढ़ो और अपना जो ना उत्तर पूर्व कोण है ना इसमें पढ़ो। तो उत्तर पूर्व कोण में हमारे यहाँ कोई मकान नहीं था, कोई कमरा नहीं था, तो उन्होंने जो ना एक वैसे ही कच्चा घर सा बनवा के छप्पर डाल के और उसमें चारपाई लगा के कहा इसके किवाड़ लगवा देती हूँ, इसमें बैठ के पढ़ो। और आप विश्वास करिए गांधी साहब, मैं आपको आज ये विश्वास दिला रहा हूं कि मुझे वहां जो बैठ के आनंद आया पढ़ाई में और जो मन केंद्रित हुआ आप सोच नहीं सकते। और पूर्व उत्तर के कोने में पढ़ना चाहिए और पूर्व की ओर मुख होना चाहिए विद्यार्थी का। अध्ययन कक्ष में विद्यार्थी को जूते मुझे नहीं खोलने चाहिए। हमारे घर में तो आज भी प्रतिबंध है कि जूते मुझे अंदर नहीं खोले जाते, बाहर बाहर रखे जाते हैं। तो माता जी कहती अरे इतना अच्छा घर बनाया मैंने, लिपा है, लिपती थी वो लिपना गोबर मिट्टी से, कि मैंने लिपा, इसमें जूते चप्पल नहीं ले जाओगे, और नहीं खोलने देती थी। और वो हमने अध्ययन किया तो वही चीज मिली। लड़कियों को खासतौर पर इमली खाने का बड़ा शौक होता है जी, जी। मैं देखता हूँ चूंकि हमें ये कई बार सुनने को मिलता है, इमली खाने से विद्यार्थी की बुद्धि जो है थोड़ी सी क्रोधित हो जाती है। बुद्धि तेज तो होती है लेकिन क्रोधित होती है और अन्य जगह दिमाग भागने लगता है। इससे मैं ये इमली के पत्ते और इमली खाने के लिए मना करूंगा। एक मोर पंख आपको अपने पढ़ाई के टेबल पर जरूर रखना चाहिए। मोर पंख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक क्या है कि गुरुवार को गाय को पीले गुड़ वगैरह या पीली दाल अपने हाथ से यदि आप खिलाते हैं तो वो सफलता देती है। मुझे याद है कि आप ये मानो कि मेरे को ये इतना ध्यान है कि आजकल वो जो घरों में कई लोग लगाते हैं और उसमें पढ़ाई का पौधा बोलती थी हमारे माँ, तो एक टहनी ला करके उसको टेबल पे रखती थी। जो आजकल ये क्रिसमस वाले लगाते हैं ना पौधा, जी जी, उस पौधे की टहनी का बड़ा महत्व होता है। एक तोते का पंख अपने किताब में रखें जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो ये बहुत छोटी छोटी माइनस चीजें हैं। मुझे याद है कि मेरी माँ जो ना परीक्षा के दौरान हमें सुबह जल्दी उठाती थी और वहां जो ना गेहूं कटे कट होते थे
और उस समय मुझे कहती थी, अरे भाई वो कपूर की धुनी कर लेना, कपूर की धुनी का मतलब आग जला के कपूर डाल के धुनी करो। उसका कारण क्या था? नकारात्मक। मैं क्या क्यों मां क्या करना है? अरे कि इससे नकारात्मकता नहीं रहेगी और कुछ भी रहेगी, तेरा पढ़ाई मन लगेगा। तो ये 101% मैंने इसको जब यहाँ एस्ट्रोलॉजी में देखा, तो ये एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल प्रमाणित चीज है। यानी पहले की माता पिता कितने अवेयरनेस थे, कितनी चीजें जानते थे जो हम कल्पना भी नहीं करते, वो उनके दिमाग में यूं चलते फिरते रहती थी। और एक जब आप हम परीक्षा देने जाते थे तो कहती थी, भैया अपने वो एक तो है ही, और उसमें थोड़ी चीनी डाल के कुछ डाल के खा के जाना। तो विद्यार्थी को जब भी परीक्षा देने जाए तो कुछ मीठी चीज या दही या चीनी के साथ या तुलसी पत्ते डाल के खाना चाहिए। कई बार जो है ना, दही नहीं होता, गुड़ नहीं है घर में, कोई बात नहीं, माँ हमारे तुलसी पत्ते लाती और खिला के दे देती। और भोजन करके, ज्यादा भोजन करके परीक्षा देने नहीं जाना चाहिए। हमें तो भूखे भेजते थे, पर आजकल के बच्चे तो कई बीमारियों प्रेरित होते हैं। हमें तो भूखे भेजते थे कि वहां तुमको आलस आएगा, भूखे जाओ, एक गिलास दूध पी जाओ बस, या फिर एक कटोरा दही। और दही खाते थे तो 4 किलोमीटर चलते थे, तो सुस्ती उसी समय 4 किलोमीटर पूरी हो जाती थी, बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे। एक एक मुझे याद है कि ऐसा मेरे को ध्यान है कि हमें हमारे माँ जो ये कहती थी कि भाई एक सरसों के तेल में गरम करके, और गरम करके उसको आप रोज, मतलब थोड़ा, मतलब रोज जो है ना 2-3 मालिश करें, उससे बुद्धि तेज हो जाती है। तो वो सरसों का तेल का जो मालिश होता था, उन सबसे जो है बहुत प्रभाव होता था। और मेरा मानना है कि आप ये मान के चलें, ये कहने को तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये ऐसी चीजें, ऐसी चीजें एकाग्रता करती हैं। और आप ये क्या करें, सिर और गर्दन के बीच के पीछे की जो मेडुला नाड़ी है ना, ये मेडुला नाड़ी बोलते हैं हम लोग, इसका संबंध बुद्धि से होता है। और मेडुला नाड़ी के स्थान पर अंगुली से रोज 2-3 मिनट सरसों के तेल को गर्म करके और यहाँ ही वैसे लगाने से बुद्धि की एकाग्रता और बुद्धि की तेजी होती है। और इतनी तेजी होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको स्मरण शक्ति आपकी बढ़ जाती है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हमारी माता राम आज से कितने वर्षों पहले हमें बताती थी। तो आज जरूरत है हमें कुछ चीजें अपने नियमित दैनिक क्रियाओं में कुछ सुधार करने की, कुछ बदलाव लाने की। इससे विद्यार्थियों में आज के दौर में बहुत लाभ मिलेगा, ये मेरा निज अनुभव है। आप करके देखिए, आज हमारे साधना न्यूज चैनल के माध्यम से हजारों लाखों दर्शक जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, देश विदेश में, प्रदेश में, उन लोगों के लिए मैं आप मेरा निज अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप कीजिए, इसका अवश्य आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन काफी हावी है, लेकिन जो पुरातन पद्धति रही है, जिस तरह से बालों में जो माल तेल लगाया करते थे, सरसों का तेल गर्म करके, जैसे आपने जिक्र भी किया, उसका विशेष फायदा होता था। और लगाने की उनकी सभी माओ की एक विशेष पद्धति भी होती थी, जो वो अपने सास से, अपनी माँ से सीखते आती थी, और वो एक चलन में रहा लंबे समय तक। लेकिन मॉडर्न जमाने में बहुत सारे अब कॉस्मेटिक चीज आ गई। पूजा काफी विशेष संदर्भ पे चर्चा हो रही है, इमली का भी जिक्र आचार्य जी ने कहा, खासतौर पर छात्राओं को इमली नहीं खानी चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि स्कूल के प्रांगण में अगर इमली का पेड़ हो तो कंकर एग्जाम नियर है और बच्चों को पढ़ाई में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे साल भर पढ़ते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम टाइम ही वो पढ़ते हैं और उनके लिए वही सफिशियंट होता है। इतना ही बहुत अच्छा लगता है, उसमें ही एग्जाम टाइप कर लेते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए ट्रिप्स बताई है वो बेहद खास है। और खासतौर पर जो बातें आचार्य जी ने की है, मैं अगर मेरी ही बात करूं तो सर, मैंने खुद ने भी ये सब एक्सपेरिमेंट किया है। जिस तरीके से हमारे किताब में मोर पंख रखना,
ये सब चीजें हो गई। और तुलसी का पत्ता मुंह में लेकर जाना एग्जाम देने से पहले, सीरियसली जो ज्योतिष बताता है एक्चुअली वो फैक्ट होता है, हमने खुद ने ये प्रमाणित करके देखा है। क्योंकि जब कभी भी मैं खुद एग्जाम देने जाती थी तो तुलसी का पत्ता मुंह में लेकर के जाती थी, ताकि वो जो सारी चीजें मेरे अंदर एक सकारात्मक सोच हो, कोई भी ऐसा भ्रमित या डिमोटिवेट में नहीं हो और अच्छे से एग्जाम को फाइट करूं। जब भी मैं किताब को लिखने बैठती थी सबसे पहले मैं गणेश जी का नाम लेती, कॉपी में जब भी लिखा करती थी गणेश जी का नाम, सरस्वती माँ का नाम लेकर ही लिखा करती। लेकिन आजकल आजकल मॉडर्न जमाना आ गया है, कोई नहीं देखता है ये। आजकल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है, जबकि लेट नाइट पढ़ा हुआ ये फैक्ट है, हम भूल जाते हैं। और मैंने कई बार खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैं लेट लेट नाइट तक पढ़ने की कोशिश की हूँ लेकिन सुबह तक हम उसे भूल जाते हैं। और सुबह सुबह का जो समय होता है 3 से 4 बजे के बाद का जो समय होता है, 3, 4, 5 है, ये बिल्कुल सही है। आचार्य जी ने जैसा बताया कि इस समय हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एकदम क्योंकि फ्रेश माइंड होता है उस वक्त, हम उठ करके एकदम फ्रेश होते हैं और अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करते हैं। और रात को जब हम पढ़ाई करते हैं तो पूरे दिन भर का जो स्ट्रेस होता है, जो काम का यूं कह सकते हैं दिन भर जो दिनचर्या होती है, वो हमारे मस्तिष्क में होती है और जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। ऐसे में ये जो ट्रिप्स है और जिस तरीके से बताया कि खाने खाना नहीं खाना चाहिए स्टडी रूम में और झूठे हाथ भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि विद्या हमारे लिए सरस्वती माँ का रूप होती है और सरस्वती माँ एक माता है, भगवान है, तो हमें अपनी विद्या का भी उसी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, कई बार हम देखते हैं कि साल भर पढ़ाई किया बच्चा, लेकिन एग्जाम टाइम कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी परेशानी आ जाती है। परेशानी मीन्स कि वो साल भर जो उसने पढ़ाई किया है वो उसके लिए जीरो हो जाता है, भूल जाता है। स्मरण के लिए भी आपने बताया कि अगर भाई आपको अपनी स्मरण शक्ति तेज करनी है तो पीछे इस प्रकार का तेल लगा करके आप अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं, एकाग्रता ला सकते हैं। परंतु आचार्य जी, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रिजल्ट आने से पहले इस सोच में मर जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट जीरो आएगा, हमारे माता पिता ने जो हमसे एक्सपेक्टेशन किए, जो उम्मीदें की है उन पर खरा नहीं उतर पाएंगे। लाइक आजकल के माता पिताओं को, पुराने जमाने के माता पिताओं की मैं बात करूँ, पहले की हम बात करें तो माता पिता सब बातों को समझते थे, बच्चों को समझते थे, वो कहते थे ठीक है आज आप प्रथम स्थान नहीं लाए लेकिन कल एक ऐसा समय आएगा आप दोबारा कोशिश करना। आजकल के माता पिताओं की हट उठ नहीं है, साइंस बनाना है, सामने वाले या पड़ोसी के बच्चे ने 91 बनाए हैं, आपको 95 बनाना है, आपको अच्छा मैरिट में आना है, ये सारी चीजें एक प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर आ रही है। मैं बहुत सहमत हुआ लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं सलाह देना चाहूंगा, किसी भी छात्र के जीवन में परीक्षा की घड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, भले ही वो समय कैसा भी वो अपने मन में रखे, लेकिन इस समय शांत मन से पढ़ाई करना चाहिए। और विद्यार्थी को, खास तौर पर छात्राओं को, किसी भी प्रकार का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। परीक्षा में सफल यदि होना है, परीक्षा के समय कुछ नीति होती है, उन नीतियों को अपना करके आप बहुत आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति एक कहते हैं ना कि ना नीति है ना रीति है और ना आपके पास सोच है, तो फिर बड़ा मुश्किल है। परीक्षा के समय की गई चूक से किसी भी छात्र का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई छात्र परीक्षा में अपनी प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है तो धैर्य पूर्वक उसे पाठ्यक्रम को अभ्यास करने के साथ अगर छात्र परीक्षा में सफलता के लिए मेरे दिए गए उपायों से कहीं प्रभावित होकर के उसे अपनाता है तो मैं 101% कहता हूं उसका रिजल्ट 101% अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मैंने आजमाए निज अनुभव मेरा, मैंने पहले ही कहा कि पार्वती जी ने पहले ही गोस्वामी तुलदा जी ने पार्वती जी के लिए कहा, निज अनुभव उमा कहूं मैं, निज अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, ये पूरा संसार एक सपना है। यदि कोई मान लीजिए कहे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ भी हूं, या मैं मान लीजिए जो भी हूं, लेकिन वो सब सपना है, वो एक पानी का बबूला है, वो हटेगा। आपका भजन आपका कितना है,
उससे आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है, उससे आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भजन से, दान पुण्य से व्यक्ति सब प्रकार से बर्बाद होने से बचता है। आपने मान लिया भजन नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, और आप पैसा पैसा पैसा, तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके बच्चे खराब होंगे, आपकी पत्नी अलग लाइन में जाने लगेगी, आपका विचार अलग हो जाएगा, कुल मिलाकर के बर्बादी के वो रास्ते बन जाते हैं जिनमें हमने कभी सोचा भी नहीं। ऐसे विद्यार्थी का होता है, विद्यार्थी एक बर्डन लेकर के पढ़ाई करेगा तो नहीं कर पाएगा। एक आशावादी बन करके, एक उम्मीद लेकर के, एक विश्वास लेकर के, एक अच्छा चिंतन लेकर के, एक अच्छा मनन करके और निर्णय करे कि मुझे पढ़ाई में, परीक्षा में अच्छे स्थान पर जाना है, तो टेबल को साफ सफाई से रखे, वहां भोजन ना करे, वहां जूते चप्पल ना खोले, पूरब में मुख हो, उत्तर पूरब में हो, कपूर का दुआ करें, रात को 10 बजे सो जाए, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करें और 3 बजे 7 बजे तक पढ़ाई करें। ये ब्रह्म मुहूर्त है महाराज, इसमें पढ़ाई करने वाला व्यक्ति फिर निश्चित रूप से सफल होगा। अपनी पुस्तकों को सही से रखे, पुस्तकों पर धूल ना जमे, मतलब एक अपना पलंग हो चाहे टूटी चारपाई हो, चाहे आपके पास टेबल ना हो या ना हो, लेकिन जहां बैठ के पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा हो। चाहे आपका कच्चा है, पक्का है, कैसा भी घर है, आजकल तो कच्चे घर होते नहीं है, सबके पास अच्छे आलिशान सब सुविधा युक्त है, लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि गंदगी धूल जमा न होने दें और परीक्षा में सफलता के उपाय स्वच्छता के साथ में, आपको जब परीक्षा देने जाए तो घर में गुड़ है तो दही में गुड़ डाल के खा के जाए, यदि दोनों चीज नहीं है तुलसी का पत्ता खा के जाए, यदि ये भी नहीं है तो भगवान को प्रणाम, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाए, और यदि ये सब भी नहीं है तो भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करके परीक्षा के लिए जाए कि प्रभु मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, आप फल देना आपके हाथ में। और जो व्यक्ति इतनी भावना रखता है 101% सफलता प्राप्त करता है। हम वो व्यक्ति हैं, मैं मेरा अपनी बात करता हूं कि हमारे मंदिर था और उसमें लोगों से, उस जमाने में हम कहते थे घी ज्यादा डालो, और ज्यादा घी इतना डलवाते थे बड़े दीपक में कि वो रोशनी 1 बजे तक रहती थी और हम 11 बजे तक उसमें पढ़ते थे उस दीपक की रोशनी में। यानी पहले मिट्टी का तेल भी लाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसे अभावग्रस्त जीवन में जी करके और व्यक्ति कोई निकला हो तो उसका अनुभव कुछ और होगा। इससे हमारे अनुभव का 10% भी यदि अनुसरण किया तो विद्यार्थियों को लाभ होगा। जैसे मैंने आज 11 टिप्स बताई है, 11 टिप्स में 5 टिप्स भी अपनाई तो उन्हें लाभ होगा। बड़ी मंगल और शुभकामना, और मैं कहूंगा कि आज के छात्र छात्राओं को किसी भी कंडीशन में डिप्रेस नहीं होना चाहिए। कई छात्र छात्राएं जो ना आप आत्महत्या कर लेते हैं, हमें परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले, आत्महत्या करना, ये कोई आपका निर्णय ठीक है, ये निर्णय ठीक नहीं है। ये तो भुजबल जो लोग होते हैं जिनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसे लोग ऐसे निर्णय करते हैं। परीक्षा में सफलता के लेने के लिए आदमी को कर्मठ होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, कॉन्फिडेंटल होना चाहिए, और फिर उसके बाद पढ़ाई करें, कैसे सफलता नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और उसके लिए बुध ग्रह बहुत जिम्मेदार होता है। बुध ग्रह के लिए बुधवार के दिन गणपति को ध्रुव अर्पण करें और उसका मंत्र है ओम कांडात कांडात पुरोहंति परुकाय परकुशपरी एवानो दुर्वे प्रयतनु सस्तेन सतेन चो। आप जो है ऐसा करके, या फिर कांडात अर्पण करते हुए, बोलते हुए, प्रणाम करते हुए करें, अवश्य लाभ मिलेगा। कैसे लाभ नहीं मिलेगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का अनुभव बड़ा होता है जी, अनुभव का लाभ लेना चाहिए। पर आज की माताओं को ना तो कोई पीछे से बता रहा है, ना आज का वो सीखना चाहती है, केवल मोबाइल पे रील देखती है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। बच्चे को डांट सकती है, प्रेशर दे सकती है, समझा नहीं सकती। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि अपना बच्चा ही आपका उज्जवल भविष्य है, बाकी धन दौलत ये सब बेकार है। यदि आपके पास धन है और बच्चा निकम्मा निकल गए तो धन बेकार है, और आपके बच्चे अच्छे निकल गए, आपका धन नहीं है तो आपको राजा बना देंगे। इसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जी। आचार्य जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही और इस कार्यक्रम का समय भी हो चला है, तो बहरहाल मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पे सोमवार को भी इस पे चर्चा होगी, और काफी अभी कई सारे सवाल पूजा के भी है और कई सारे सवाल मेरे भी है, तो बहरहाल तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी आपका सारी पूजा के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।